नागपुर महानगर पालिका की ओर से शनिवार को कचरा संकलन और शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर विशेष सभा का आयोजन किया गया था। इस विशेष सभा में शहर के सभी नगर सेवकों ने सभागृह में अपनी शिकायतें और सुझाव रखे। नगर सेवकों ने प्रशासन को अपने सवालों से घेर लिया था। नगर सेवकों का कहना था कि कचरा संकलन की जिम्मेदारी जो नए दो कंपनी पर दी गई है, इनके साथ मनपा ने कोई नियमावली बनाई है। इस सवाल पर प्रशासन की ओर से बताया गया कि अभी तक दोनों कंपनियों के साथ कोई भी नियमावली नहीं बनाई गई है। पार्षद प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल ने सभागृह में बताया कि उनके क्षेत्र में एक एक दिन के बाद गाड़ी आ रही है, जिस कारण लोगों के घर में कचरा जमा हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा संकलन के लिए मनपा जो 60 रुपए अतिरिक्त शुल्क लेने वाली है, इसकी जानकारी दी गई है क्या? 15 नोव्हेंबर पासून नवीन कचरा संकलनासाठी दोन नवीन कंपन्यांची नियुक्ती नागपूर शहरामध्ये केलेली होती आणि पहिल्या दिवशीपासूनच पूर्ण ती व्यवस्था कोलमडली। शहरामध्ये कचरा संकलनाची व्यवस्था कुठलीच बरोबर नव्हती। प्रत्येक वस्तीत मोहल्ल्यामध्ये जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा झाला होता आणि त्याचा संकलन करण्याची कुठली व्यवस्था नसल्यामुळे संपूर्ण शहरभरामध्ये आक्रोश होता। कुठल्या भागामध्ये गेली म्हणजे ती पूर्ण व्यवस्था पूर्ण शहराची चांगली आहे असंही नाही आणि एखाद्या भागात ती गाडी गेली नाही म्हणजे पूर्ण शहराची व्यवस्था खराब आहे असंही नाही। त्यामुळे नक्की व्यवस्था काय आहे, ती कुठल्या सिस्टीमनं चालेल हे जोपर्यंत निश्चित होणार नाही तोपर्यंत ती व्यवस्था चांगली किंवा वाईट हे सांगणं कठीण होऊन जाईल। त्यामुळे आपण समजा 95% इफिशियन्सीने काम करत असतो पण मात्र 5% लोकांना आपण वंचित ठेवून राहिलेलो आहे। आपण नाही देऊ शकत 5% लोकांना, आपल्याला 100% इफिशियन्सीनंच काम करावं लागणार आहे आणि जर 100% इफिशियन्सीने काम करत नसेल तर त्याच्यावर कारवाई करणं गरजेचं आहे। तभी नगर सेवकों के सुनने के बाद महापौर संदीप जोशी इन्होंने कचरा संकलन करने वाली दोनों कंपनियों को 30 तारीख तक सेवा सुचारू अल्टीमेटम दिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।